हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, असी अज प्लस टू क्लास का सैंपल पेपर की दोहराई का दूसरा भाग कर जा रहे हैं, जिसे कि असी चार चार नंबर के क्वेश्चन की दोहराई करांगे। सब तो पहला असी शुरू करते हैं कि साडा जिहड़ा चार चार नंबर का क्वेश्चन आएगा उसकी लेंथ होगी 60 तो 70 शब्दों के इसनू कंप्लीट करना है। ज़्यादा लेंथ नहीं इसकी करनी हैगी, तो नाल दी नाल असी इन्हों क्वेश्चन नू थोड़ा एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स नू हैडिंग्स के अगे जाके एक्सप्लेन करना है, दो दो चार चार लाइनों के। इस भाग के सानू दो क्वेश्चन दिते जाएंगे जिन्हां विच जां होवेगी, तो असी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो ये क्वेश्चन के सानू चार नंबर प्राप्त होणगे। सो असी शुरू करते हैं कि जिहड़ा साडा क्वेश्चन पहला सीगा उह सी उत्पादन के साधना बारे संखेप विच लिखो। उत्पादन के साधना की गल करांगे असी कि उत्पादन करने लई सानू किहड़े किहड़े जिहड़े बेसिक जां आपां कह सकदे मुढ़ले साधना की लोड़ जरूरी हमेशा ही पैंदी है कोई भी वस्तु असी उत्पादन करना। तो उत्पादन के साधन मुढ़ले तौर पर आपां चार गिणदे हां। पहला हुंदा है भूमि, मजदूर, पूंजी ते उद्यमी। ये चार ही साधन जिहड़े आ किसी भी वस्तु का उत्पादन करने लई साडे लई लोड़ींदे हुंदे हन। इन्हां चारे साधनां दा होना बहुत ही जरूरी है। उत्पादन के साधनों का मालिक कौन हुंदा है? घरेलू खेत्र उत्पादन के साधनों का मालिक हुंदा है, जो कि आ उत्पादक खेत्र नूं अपने उत्पादन के साधन मुहैया करवाउंदा है, उन्हां दी सेवावां दिंदा है। सो आपां शुरू करदे हां, जिहड़ा भूमि साधन है ये की हुंदा? इहनूं आपां जमीन कह सकदे, धरती कह सकदे हां, कोई जिथे फैक्ट्री लगाउणी आ सी। ये की आ उत्पादककर्ता नूं सब तों पहला जरूरी हुंदी है, तां ही उह की अपनी फैक्ट्री लगा सकदा, मशीन ना लगा सकदा है। सो भूमि दा होना बहुत ही जरूरी है उत्पादन के साधन के लिए। तो उत्पादन के साधन जिहड़ा भूमि आ इहदी सेवावां दे बदले इनू जिहड़ी पेमेंट की जाती है उन्हों असी कहने लगान कहने। सो भूमि की सेवा के बदले भूमि की जिहड़ी आपां कहिंदे कीमत आ उह कादे विच निर्धारित की जाती है? लगान दे विच। सो सैकंड जिहड़ा साडा पॉइंट है वह है मजदूर। किसी भी काम नूं करन दे लई, चाहे मशीनां चलाउण दे लई, चाहे वह किसी वस्तु का उत्पादन करन दे लई, सानूं मजदूरां की जरूर लोड़ पैंदी है। वह मजदूर की है? जिस तरह का असी उत्पादन करना है उस तरह के ही मजदूर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, असी कपड़े का उत्पादन करना है, टी शर्ट्स पैंट्स वगैरह आप उत्पादन करना है, दैन की है सानू ट्रेन मजदूर की चाहिए, टेलर वगैरह चाहिए, दर्जी चाहिए, जिन्हां नू कटिंग का डिजाइनिंग का काम आता हो। सो मजदूरों का होना भी बहुत जरूरी है। इन्हां मजदूरों नू इन्हां दी पेमेंट जिहड़ी आ कादे विच कीती जाती है? मजदूरी दे विच कीती जाती है। मजदूरों नू जिहड़ी आ उह अदायगी जां उन्हां दी सेवावां दे बदले जिहड़ी उत्पादक करता उन्हां नू पेमेंट करता है वह कादे विच करता है? मजदूरी दे विच करता है। तो थर्ड पॉइंट साडा जिहड़ा आ पूंजी। उत्पादन का तीसरा जिहड़ा पॉइंट आ वह है पूंजी। पूंजी तो भाव है मशीनां, पैसा, जिहदे नाल कि असीं उत्पादन करना है। ये पूंजी जे तो उत्पादककर्ता की खुद ही है, अपनी है, दैन की आ उन्हूं उसका ब्याज खुद ले भी कटना पवेगा। जेकर वह पूंजी पैसा उधार लै रहा कितों, दैन उन्हूं की आ उस व्यक्ति दे लई भी की आ पूंजी का ब्याज के रूप में की आ अदायगी करनी पवेगी। फोर्थ पॉइंट जिहड़ा साडा है वह उद्यमी है। उद्यमी नूं आपां की कहिंदे आ? उत्पादककर्ता ही हुंदा आ जिन्हें कि उद्यम करना है उत्पादन करन दे लई। इन्हां तिन्नां साधनां नूं इकट्ठे करके उन्हें की करना है? उत्पादन करना है। उत्पादन करन तों बाद जो भी हिस्सा इन्हां पहले तिन्नां साधनां नूं देण तों बाद उसदे कोल बचदा है वह की होवेगा? उसका लाभ होवेगा। ये लाभ की आ? उत्पादककर्ता जां उद्यमी की एक पेमेंट कह सकते हैं, जां उहदी अपने आप नूं कीती जाण वाली अदायगी। अगला आप उत्पादन के साधनों का आप जो वर्गीकरण कर सकते हो सेकेंडरी उत्पादन साधनों में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप कह सकते कच्चा माल जिस भी वस्तु का असं उत्पादन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते कपड़ा जिहड़ा असी साढ़े लिए कच्चे माल के तौर पर होगा। जेकर असी टी शर्टा का उत्पादन करते हैं सो कच्चा माल जिहड़ा साडा इत्थे की आ उहदा होना भी जरूरी है। इसी तरीके मशीनों नूं चलाउण दे लई साडे कोल बिजली होनी जरूरी है, जिहदे नाल कि मशीनां चलणगियां, कटिंग होएगी, सिलाई होएगी टी शर्ट्स की। इस तरीके ट्रांसपोर्ट कच्चा माल नूं लिआउण दे लई तैयार जिहड़ा समान आ मार्केट तक पहुँचाउण दे लई साडे कोल की आ ट्रांसपोर्ट का साधनां दा होना भी जरूरी है, जिहनूं आपां ढोआ ढुआई का साधन कह सकते हैं। सो ये साधन भी होने बहुत ही जरूरी है। अगे जाके आपां वंड करते हैं कि उत्पादन के साधनों की जिहड़ी समें दे अनुसार वंड करते हैं। जेकर अल्पकाल दे विच असीं उत्पादन नूं वधाउणा चाहुंदे हाँ दैन की साडे कोल दो परिवर्तनशील साधन हुंदे आ मजदूर ते कच्चा माल। असी मजदूरों की गिणती वधा के उत्पादन का पद्धर जिहड़ा वधा सकते हाँ अल्पकाल विच, जिहनूं कह सकदे थोड़े समय दे विच, ते कच्चे माल की मात्रा विच वाधा करके की असी उत्पादन का मात्रा वधा सकते हाँ, पद्धर वधा सकते हाँ। इसे करके मजदूर अते कच्चा माल नूं आपां की आ परिवर्तनशील साधन मानते हाँ अल्पकाल विच।
दीर्घकाल दे विच की है उत्पादन के सारे ही साधन की है परिवर्तनशील होंगे कि साढ़े को इन्ना क समा हों कि असी सारे ही स्थिर साधनों की है उन्होंने मात्रा में वाधा करके उत्पादन के पैमाने बढ़ा सकते हैं उत्पादन का लैवल बढ़ा सकते हैं। सो अज के इस क्वेश्चन के करना है इन सारे ही हैडिंग्स न अगे जाके लाइनस के कन्वर्ट कर देना इन्हों दो दो चार चार लाइनों के लिखना है ता जो तुम्हें जोड़े 60 से 70 शब्दों के अपना उत्तर पूरा कर सको। सो उम्मीद है तुम्हें जो उत्पादन के साधनों का प्रश्न जोड़ा उन्हों का उत्तर क्लीयर हो गया होगा। सैकंड क्वेश्चन जोड़ा सूँ जा पा के आया से गरीबी के चार कारणों बारे लिखो ये आप देश के जी सा भारत में गरीबी पाई जा रही है उन्होंने कारण बारे आप गल करांगे हैडिंग्स के एक्सप्लेन करांगे। सब तो पहला जिहड़ा असीं हैडिंग लैके चलने हाँ राष्ट्रीय आमदन का नीमा पद्धर साढ़े देश की जी राष्ट्रीय आमदन है कुल घरेलू उत्पाद है वो की आदा पद्धर काफ़ी नीमा है जिस दे कारण की है साढ़े देश के गरीबी पाई जाती है। UNO की रिपोर्ट अनुसार भी की आ भारत के जी राष्ट्रीय आमदन का पद्धर जिहड़ा काफ़ी नीमा है अल्प विकसित देशों के भारत की जी गिनती की जाती है। सो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आमदन का पद्धर नीमा होने के कारण की आ हर एक व्यक्ति जिहड़ा की आ आमदन के जिहड़ा हिस्सा होंदा है उन्हें की आ घट आमदन मिलती है। सो असी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आमदन का जिहड़ा नीमा पद्धर आ वह भी की आ भारत में गरीबी की दर ज़्यादा होने का मुख्य कारण है। नैक्सट जिहड़ा अपना पॉइंट है विकास की नीमी दर भारत के जी डिवेलपमेंट की जी रेशो आ जा परसेंटेज है वह काफ़ी घट है। क्यों घट है क्योंकि भारत के जी GDP की रेशो आप कह सकते 4% तक पाई जाती वाधा जोड़ा हर साल GDP का वाधा आ वो 4% तक पाया जाता है पर नाल दी नाल भारत की जी जनसंख्या की वाधा दर की आ वह भी 2% है। सो आप कह सकते हैं जी ये कारण की है साड़ी पॉपुलेशन नाल दी नाल वध रही है। सो जी डिवेलपमेंट की जी वाधा दर है ज विकास की वाधा दर है वो की है वह घट जाती है वो सिर्फ की है सिर्फ 2% ही रह जाती है जो कि आप कह सकते नाम मात्र है जिसके कारण की है सारे लोग की आ अपन बेसिक नीड्स जिहड़ियां मोढ़ियां लोड़ां पूरियां नहीं कर पाते अते वो की है लोग गरीबी रेखा तो हेठ आ जाते हैं जिस कारण की साड़ी गरीबी दर वध जाती। नैक्सट जिहड़ा आ जनसंख्या का अधिक दबाव सानू पता कि साडा जिहड़ा जनसंख्या पक्षों जिहड़ा भारत जिहड़ा आ दूसरे नंबर पर है। सो इसदी ये भी मेन कारण है कि गरीबी का 1991 दे विच भारत की जिहड़ी जनसंख्या सी 84.63 करोड़ सी 2011 दे विच 20 सालां दे विच की होया 121 करोड़ हो गई तो ये की आ काफ़ी ज़्यादा वाधा पाया गया हूँ की जी आप एज एट प्रेजेंट कह सकते हैं वो 130 करोड़ के लगभग भारत की जनसंख्या है। इन्नी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण की आ भारत में गरीबी की दर वध है क्योंकि सारे लोगों सारिया सहूलत मिलना काफ़ी मुश्किल है इसलिए की है साड़ी जी भारत में गरीबी की दर ज़्यादा पाई जाती है। नैक्सट जो सा पॉइंट है मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति तो भाव की है कि लगातार कीमतों में होने वाला वाधा जो लगातार कीमतों में वाधा होंगे है तो वस्तुआं महंगा हो जाती हैं वस्तुआं महंगा होने के कारण कुछ जोड़े लोग है या कुछ जनसंख्या की रेशो जी साड़ी वो अपन बेसिक नीड्स पूरिया नहीं कर पाया जिस कारण की है उन्होंने गरीबी बढ़ जाती है उन्होंने आप गरीबी की रेखा तो हेठा गिणते हैं। नैक्सट जिहड़ा साडा पॉइंट है लगातार रहने वाली बेरोजगारी सानू पता है कि गरीबी दूर करन दा इक्को इक हल है कि लोगों को काम दिता जाए पर भारत दे विच की आ लगातार लोग की आ बेरोजगार रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2011-12 दे विच 2.45 करोड़ लोग जिहड़े आ बेरोजगार सी भारत दे विच जिहदे नाल की है बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है गरीबी के वधण दा। सो आप लिख सकते हैं कि जिहड़े 5 दे 5 पॉइंट आ असीं इस क्वेश्चन दे विच एक्सप्लेन करके लिख सकते विद आप डाटा शो करांगे तो साडे जिहड़े नंबर है वो वधिया लगणगे। सो उम्मीद है तुहानू जिहड़ा अज दा जिहड़ा जुलाई टैसट दा आपां भाग 2 कीता है तुहानू क्लीयर हो गया होगा। इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन है तुसीं होर भी याद करने हैं तां जो जुलाई दे सैंपल पेपर की तरह तुहानू जिहड़ा फाइनल पेपर भी आ तुसीं पूरा वधिया तरीके नाल कर सको। अज दी वीडियो देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।